तो हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करवाने जा रहे हैं गॉड ऑफ थंडर थॉर वर्सेस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस के बीच में। एंड हाँ, मैं बता दूं, इन दोनों का कंपैरिजन ही मार्वल कॉमिक्स के बेसिस पर होगा। एंड आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि इसके ऊपर तो यूट्यूब पे ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बन रखी हैं, तो मेरी वीडियो में क्या अलग है। तो देखो, यहाँ पे आपको थोर एंड हरक्यूलिस के नॉर्मल वर्जन का कंपेरिजन तो देखने के लिए मिलेगा ही, बट इसी के साथ मैं आपको थोर एंड हरक्यूलिस की मोस्ट पावरफुल फॉर्म यानी कि रून किंग थोर वर्सेस क्योस वॉर हरक्यूलिस का भी कंपेरिजन देखने के लिए मिलेगा। मेक श्योर आप भी वीडियो में एंड तक जरूर ही बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो यार, जाहिर सी बात है कि वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगी, जहाँ पे पार्ट वन में हम कंपैरिजन करेंगे थोर और हरक्यूलिस के नॉर्मल वर्जेस का, और वहीं पार्ट टू में हम कंपैरिजन करेंगे थोर और हरक्यूलिस की मोस्ट पावरफुल फॉर्म यानी कि रून किंग थोर वर्सेस क्योस वॉर हरक्यूलिस का। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट वन से, जहाँ पे हम थोर और हरक्यूलिस के नॉर्मल वर्जेस का कंपैरिजन करेंगे। तो देखो, यहाँ पे जो थोर है उसकी ओरिजिन, उसकी पावर एंड एबिलिटीज और उसने क्या क्या फीट शो करी है एमसीयू में एंड मार्वल कॉमिक्स में, ये तो आप सभी को पता ही होगा, और आप सभी के पास थोर के बारे में एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो इसीलिए हम बात करते हैं हरक्यूलिस के बारे में। तो देखो यार, हरक्यूलिस के फादर का नाम होता है ज्यूस। हाँ, वही ज्यूस जिसको आपने थोर लव एंड थंडर में देखा। जो ज्यूस है उनका संबंध एक मॉर्टल वुमन से था, और उसी संबंध के चलते पैदा हुआ हरक्यूलिस। तो देखो यार, जो हरक्यूलिस है वो बचपन से ही लिटरल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई, वो एडल्ट एज की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती गई। तो हरक्यूलिस की मेन पावर है उसकी स्ट्रेंथ, इसीलिए हरक्यूलिस को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसने डिस्ट्रॉयर आर्मर जो कि ओडिन ने बनाया था सेलेस्टियल्स को मारने के लिए, उसे टो टक्कर दी है। सेंट्री को भी स्ट्रेंथ के मामले में बराबरी की टक्कर दी है, और कहीं ना कहीं उसे नॉकआउट भी किया है स्ट्रेंथ के मामले में। हरक्यूलिस ने वर्ल्ड वॉर हल्क को भी डिफीट किया है, और डॉक्टर ब्रूस बैनर ने खुद कहा है कि जो हरक्यूलिस है वो हल्क को हराने का पोटेंशियल रखता है, जिससे हमें पता चलता है कि हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ लिटरल में बहुत ही ज्यादा है। और इसके अलावा हरक्यूलिस ने पूरी की पूरी सिटीज जैसे कि मैनहट्टन को भी लिफ्ट किया है। हरक्यूलिस के पास वैसे तो कोई पावरफुल वेपन नहीं है, पर उसका जो मेजर वेपन रहता है जिसे वो ज्यादा बैटल में यूज करता है, वो है हरक्यूलिस का एडमेंटियम से बना गद्दा। और हरक्यूलिस का ड्यूरेबिलिटी लेवल भी काफी ही ज्यादा हाई है, क्योंकि यार उसने हल्क के साथ फाइट करी है और हल्क के पंचेस को बड़े इजीली ही सर्वाइव कर गया था। हरक्यूलिस के रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट है, वो मिसाइल्स को मिडियर में पकड़कर उन्हें वापस फेंक चुका है। अब अगर बात करें हम हरक्यूलिस वर्सेस थोर में कौन जीतेगा, तो देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कॉमिक्स में ही मिल चुका है, जहाँ पे पहली बार जब हरक्यूलिस और थोर की फाइट हुई थी सिल्वर एज कॉमिक जर्नी इनटू द मिस्ट्री के एनुअल नंबर 1 में, वहाँ पे हमने देखा कि हरक्यूलिस और थोर के बीच रेसलिंग हो रही थी। और यार लिटरली में जब ये फाइट कर रहे थे, तब इनकी फाइट के दौरान जो एनर्जी जनरेट हो रही थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट से दूर फेंक रही थी। बट लास्ट में हमें पता चला कि इन दोनों की फाइट ड्रॉ हो गई, और इसके बाद इनकी फाइट थोर इशू 126 और थोर इशू 221 में हुई, जहाँ पे पहली फाइट में ऐसा लग रहा था कि हरक्यूलिस थोर को हरा देगा, वहीं दूसरी फाइट जब इनकी हुई तो वो ड्रॉ हो गई। और जब इसके बाद इनकी फाइट फिर से होती है, तो उस फाइट में जो थोर है उसके पास उसका वेपन यानी कि म्योनियर नहीं होता, और इस बार जो हरक्यूलिस है वो अपनी स्ट्रेंथ से थोर को ओवर पावर करके उसे नॉकआउट कर देता है। और थोर खुद कहता है कि हरक्यूलिस हैंड टू हैंड फाइट में मुझसे ज्यादा बेहतर है, बट जब दूसरी बार इनकी फाइट होती है तब थोर के पास म्योनियर होता है, और थोर अपने म्योनियर का यूज करके हरक्यूलिस के ऊपर लाइटनिंग अटैक करता है और अपने म्योनियर से काफी ज्यादा दिक्कत देता है हरक्यूलिस को, जिसके चलते थोर इस बैटल को विन कर जाता है। तो देखो यार, कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जो हरक्यूलिस है वो लिटरल में काफी ही ज्यादा पावरफुल है, और हर बार वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से थोर को ओवर पावर कर जाता है, बट जो थोर है उसके पास एडवांटेज रहती है उसकी थंडर पावर और उसके वेपन्स की। बट अब जो एमसीयू में थोर है उसने अपने वेपन्स के बिना भी अपनी पावर्स को यूज करना सीख लिया है। जो हरक्यूलिस है वो लिटरल में काफी ज्यादा पावरफुल है, और थोर के मुकाबले में एक अच्छा हैंड टू हैंड फाइटर भी है। बट जो थोर है उसके पास उसकी स्पेशल एबिलिटीज है, लाइक उसकी थंडर पावर्स, बट जो हरक्यूलिस है उसके पास ऐसी कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है जिसके चलते वो थोर को डिफीट कर दे। तो हरक्यूलिस और थोर के नॉर्मल वर्जेस की जो ये बैटल है, इसका जो विनर है वो निकल कर आता है थोर द गॉड ऑफ थंडर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कि पार्ट टू, जहाँ पे हम बैटल करवाएंगे रून किंग थोर वर्सेस क्योस वॉर हरक्यूलिस के बीच में। अब बात करते हैं रून किंग थोर के बारे में। तो देखो, अगर आपको रून किंग थोर की ओरिजिन को शॉर्ट में जानना है तो आप हमारे इस वाले शॉर्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो, जो रून किंग थोर है वो ओडिन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, और ओडिन इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो प्लैनेट और यहाँ तक कि गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट भी कर सकते हैं। ओडिन के मरने के बाद जो थोर है उसको ओडिन की ओडिन फोर्स मिल गई, जिसकी मदद से वो भी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर पाया था। और रैग्नारोक इवेंट के दौरान जब उसने अपनी दोनों आंखों को सेक्रीफाई किया तब उसे मिली रियून्स की पावर। और रियून मैजिक के बेसिस पर जो थोर है वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को भी देख सकता था और उसके पास रियलिटी रैपिंग की पावर भी आ गई थी। रियून किंग थोर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अपने सिर्फ एक उंगली से ही मैंगोक जैसे पावरफुल बींग को रोक दिया था। और मैंगोक को मार्वल का डूम्सडे भी कहा जाता है। और ओडन भी मैंगोक के साथ भिड़ने से पहले 100 बार सोचते थे। और ना ही मैंगोक को एक उंगली से रोका था बल्कि अपने रियून मैजिक का बस एक स्पेल पढ़ के मैंगोक को रियलिटी से इरेज कर दिया था। थोर को जब रियून मैजिक की पावर मिली तब उसे मल्टीवर्स में घट रही हर एक चीज और हर एक पर्सन के बारे में पूरी नॉलेज आ गई। और रियून किंग थोर का इंटेलेक्ट लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया। रियून किंग थोर ने एस्गार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स यानी कि दोज हु शैडो गॉड्स को भी डिफीट किया है जो कि सेलेस्टियल लेवल बीइंग है। और एक जगह में इन्हें बियॉन्डर्स भी कहा गया है। रियून किंग थोर के पास भी टेलीपैथी टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स है। मैटर एनर्जी टाइम और स्पेस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। फिजिकली रियून किंग थोर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने सिर्फ कुछ ही पावर का यूज करके प्लैनेट और यहाँ तक कि गैलेक्सीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसने अपनी कुछ ही पावर्स का यूज करके जैसा कि मैंने कहा मैंगोक जैसे पावरफुल बींग को रियलिटी से ही रेस कर दिया। तो हाँ जो रियून किंग थोर है उसके पास भी लो लेवल की रियलिटी रैपिंग पावर है। और रियून किंग थोर ने द लाइफ ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और द लाइफ ट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर 9 रियल्म्स या डायमेंशन एग्जिस्ट करते थे। और ध्यान में रखना ये 9 रियल्म्स थे ना कि यूनिवर्सेस। रियून किंग थोर का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने लोकी के हेड को उसकी बॉडी से अलग कर दिया बट फिर भी लोकी जिंदा था। सो ये तो बात कर ली हमने रियून किंग थोर की पावर एंड एबिलिटीज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं केओस वॉर हरक्यूलिस के बारे में। तो केओस वॉर हरक्यूलिस मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। केओस वॉर हरक्यूलिस को गॉड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। और ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके बस चलने भर से ही अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो रहे थे। केओस वॉर हरक्यूलिस ने गॉड हेड जो कि स्काई फादर्स का एक ग्रुप था उसको कुछ ही सेकंड्स में डिफीट कर दिया था। और इस ग्रुप का हर एक मेंबर एक स्काई फादर था। ओडिन और ज़ियोस जितना पावरफुल। केओस वॉर हरक्यूलिस के पास टेलीपोर्टेशन की पावर भी है। हरक्यूलिस ने इटर्निटी और गैलेक्टस को उनके विल के अगेंस्ट टेलीपोर्ट कर दिया। और यार इटर्निटी जो यूनिवर्स की रिप्रेजेंटेशन है उसे उसके विल के बिना कंट्रोल करना ये काफी ज्यादा बड़ा फीट है। इसके अलावा हरक्यूलिस ने केओस किंग कंट्रोल डिज्यूस को वन पंच में नॉकआउट कर दिया था जो कुछ देर पहले गैलेक्टस को हरा के आया था। और जब हरक्यूलिस की फाइट केओस किंग से होती है तो हरक्यूलिस अपने साइज को एक प्लेनेट जितना बड़ा कर लेता है और केओस किंग को डिफीट करके उसे एक पॉकेट डायमेंशन में कैद कर लेता है। बट यहाँ पे केओस किंग था कौन? तो जो केओस किंग है या कह लो इमात्सु मिकाबुशी जापानीज गॉड ऑफ डार्कनेस। ये बंदा लिटरली में इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने मार्वल के 98% मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। मैं यहाँ पे मल्टीवर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस आते हैं। इसके बाद केओस वॉर हरक्यूलिस अपनी पावर से डिस्ट्रॉय हुए मल्टीवर्स को दोबारा से रिस्टोर करता है। और ये सब करने में हरक्यूलिस की सारी पावर्स चली जाती है और वो एक मॉर्टल बन जाता है। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। केओस वॉर हरक्यूलिस और रियून किंग थोर की बैटल में आखिर जीतेगा कौन? देखो रियून किंग थोर ने 7 सेलेस्टियल बीइंग्स दोज हु सिट अबाउट शैडो गॉड्स को डिफीट किया है और द वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय किया था जिसके अंदर 9 रियल्म्स प्रेजेंट थे। बट यहाँ पे जो केओस वॉर हरक्यूलिस है और केओस वॉर हरक्यूलिस का इमात्सु मिकाबुशी को डिफीट करना जिसने 98% मावो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था उसे डिफीट करके डिस्ट्रॉय हुई मल्टीवर्स को दोबारा से रिस्टोर करना लिटरल में बहुत ही ज्यादा बड़ा फीड है। तो इसीलिए इस बैटल का विनर भी केओस वॉर हरक्यूलिस ही होगा। तो बस यार अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आएगा चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।